मंडी में जिला शिक्षण संस्थान में इन दिनों पैरा असिस्टेंट टीचर्स का शिक्षण अधिगम कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें जिला भर से करीब 100 पैरा टीचर्स भाग ले रही हैं, जिन्हें नई शिक्षा प्रणाली के तहत बच्चों को स्कूलों में पढ़ाने वाले प्रशिक्षित किया जा रहा है। स्कूल में शिक्षकों द्वारा सृजनात्मक गतिविधियों से बच्चों को जोड़ते हुए उन्हें शिक्षा प्रदान करने, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आदि के बारे में यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। NIOS के तहत किए जा रहे इस प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने बताई जा रही है, जिसे समय समय पर जिला शिक्षण संस्थान में पूरा करवाया जाता है। जिला शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य मोहिंद्र पाल का कहना है कि इन शिक्षकों ने बहुत पहले अपना प्रशिक्षण लिया था, अब शिक्षा प्रणाली में आ रहे बदलावों से उन्हें जोड़ने के लिए ये प्रशिक्षण करवाया जा रहा है, जिसके तहत उन्हें असाइनमेंट्स पूरा करने होंगे, जिसके बाद उन्हें NIOS की तरफ से प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। हाइट मंडी में पैरा असिस्टेंट टीचर का 10 दिवसीय PCP पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम, जो बीएड ट्रेन्ड पैरा असिस्टेंट टीचर थे उनके लिए 2 तारीख से शुरू हुआ है। ये 10 दिनों तक चलेगा, जिसमें अध्यापकों को डाइट फैकल्टी द्वारा, जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है और साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड है, मुख्यतः इन बातों पर जो वर्तमान परिस्थितियों में एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आए हैं, उनसे उन अध्यापकों को रूबरू कराना है। अध्यापक और बच्चा दोनों ज्ञान का सृजन करे, उनके अंदर वो सृजनात्मक शक्ति पैदा करके हम ज्ञान को का वर्धन करें, तो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दोनों के, अध्यापक और बच्चे की, सुनिश्चित करनी है। ये जो आजकल आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बदलाव आए हैं, इन सभी बदलावों से और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए हम इन टीचर्स को ये 10 दिन में रूबरू कराएंगे आधुनिक प्रणालियां जो है शिक्षा पद्धति की, ताकि ये पारंगत हो जाएं, क्योंकि पहले जब इन्होंने बीएड की थी, क्योंकि 6 महीने का ये इनके लिए कोर्स है, बाकी पैरा असिस्टेंट टीचर जो थे वो उनका डीएलएड का कोर्स पहले हो चुका है, और जो असाइनमेंट है वो भी दी जाएंगी। इन सभी के मार्क्स जो है वो ऊपर को भेजे जाएंगे डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को, जिसके बाद ये NIOS के अंडर, क्योंकि ये कार्यक्रम है तो इनके लिए सर्टिफिकेट NIOS के अंडर जारी होंगे। जिला स्तरीय के हैं ये, हमारे पास लगभग 98 के करीब जो है अध्यापक यहाँ पहुंचे हैं, और इसी प्रकार सुंदरनगर में भी एक हमारा इस तरह का सेंटर है, वहां पर भी टीचर इस तरह के ये ट्रेनिंग लेते हैं।